हाय गाइस, कैसे हो सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं जो प्लांट आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही गुणकारी पौधा है, और वो प्लांट है शुगर प्लांट और इंसुलिन प्लांट। और काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि इंसुलिन प्लांट कौन सा है। एक्चुअली दो तरह के प्लांट्स हैं जिन्हें लोग शुगर का प्लांट बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़न भी रहती है लोगों की कि आखिर शुगर का प्लांट कौन सा है दोनों में से। तो आज दोनों ही प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, और दोनों में क्या डिफरेंस है वो इस वीडियो में शेयर करेंगे। और इससे पहले गाइस, आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर दें, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरा लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलता रहे। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप जो प्लांट देख रहे हो, जो ब्यूटीफुल फ्लावर देख रहे हो, ये इंसुलिन का पौधा है, और इसके ऊपर ये ब्लूमिंग है हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर आप देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम ब्लूमिंग हुई है मेरे घर पे। और ये वीडियो शेयर करना बनता था कि फर्स्ट टाइम इंसुलिन का फूल मैं देख रही हूँ। तो गाइस, एक्चुअली ये आप लीव्स देख सकते हो, ये मैंने एक पॉट में लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये प्लांट। और इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हो कैसी हैं। और इसे नर्सरी में इंसुलिन प्लांट बोलते हैं। और एक दूसरा पौधा है वो मैं दिखाती हूँ, ये वाला, ये इसे भी काफ़ी लोग जो है शुगर का पौधा कहते हैं। इसे भी मैंने एक पॉट में लगाया हुआ है, तो ये इसे भी शुगर का पौधा कहते हैं और इसे भी शुगर का पौधा कहते हैं। और एक्चुअली गाइस, ये दोनों ही जो प्लांट हैं वो शुगर को कंट्रोल करते हैं, दोनों ही जो शुगर को रिड्यूस करते हैं, और दोनों का जो काम है वो सेम है, फंक्शन सेम है इन दोनों का। और एक्चुअली ये वाला जो प्लांट आप देख रहे हो, इसका नाम जो है गुरमर है। गुरमर प्लांट जो है आप देख सकते हो, ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये देखो कटिंग है, और इससे ही ये ग्रो किया है। और इसी स्प्रिंग सीजन में मैंने इसे ग्रो किया है, बहुत अच्छा ग्रो हो चुका है। और ये जो प्लांट है, इसका जो पत्तियां हैं, अगर आप इसे खा लेंगे तो आपको उसके बाद, इस पत्तियों को खाने के बाद अगर आप कोई भी मीठी चीज़ खाओगे तो वो आपको फीकी लगेगी। और ये जो पत्तियां हैं ये शुगर को रिड्यूस करती हैं, बहुत ही कारगर हैं शुगर के रोग में, शुगर डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इसका नाम गुरमर है, और काफ़ी लोग जो इसे शुगर का प्लांट ही कहते हैं। और ये वाला प्लांट जो आप देख रहे हो, इसकी पत्तियां देख सकते हो आप, स्मूथ हैं, बड़ी हैं, और इसके ऊपर ब्लूमिंग भी होती है। और ये सिर्फ इतने ही साइज़ में रहता है जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये इसकी हाइट सिर्फ इतनी रहती है। लेकिन ये वाला जो प्लांट है गुरमर का, ये काफ़ी हाइट अटेन कर जाता है, और कोई 7 to 8 feet तक की हाइट भी चली जाती है अगर ज़मीन में ग्रो करते हो। तो गाइस, ये इसके जो पत्तियां हैं ये काफ़ी कड़वी होती हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं, तो इसे आप इसका पत्तियों का चूर्ण बना के भी आप ले सकते हो। इनकी पत्तियों को जो एक टैबलेट फॉर्म में चूर्ण बना के सुखा के भी आप ले सकते हो। तो ये वाली पत्तियां हैं, इनका भी सेम पर्पज़ है। तो ये वाली पत्तियां इतनी कड़वी नहीं है, लेकिन ये गुरमर की जो पत्तियां बहुत कड़वी होती हैं। तो एक्चुअली दोनों ही जो प्लांट्स हैं उनका फंक्शन सेम है, जो शुगर को रिड्यूस करना ही है दोनों का फंक्शन। तो लेकिन जो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है जो प्लांट की, वो अलग है। वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो प्लांट के ऊपर ब्लूमिंग हो रही है, ये एक जो है छोटा सा हर्ब है, और सिर्फ इसकी हाइट आप देख रहे हो जितना ये पॉट में है इतना ही है बस, इससे ज़्यादा हाइट अटेन नहीं करता। लेकिन जो गुरमर है ये एक श्रब है, और ये 7 to 8 feet की हाइट अटेन कर जाता है। तो दोनों ही बहुत गुणकारी पौधे हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, तो अपने घर में इन्हें जरूर लगाएं इन पौधों को। और इसका डिटेल वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ इंसुलिन प्लांट का, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।